Yes, so let's move to the next question. Next question we have, मैम, sometimes किसी negative thought की वजह से इतने negative feelings आ जाते हैं कि उसकी वजह से heart पर और heart की back side पर दर्द होने लगता है, जैसे heart attack आ रहा हो. उस situation पर कैसे control करना चाहिए? Kindly reply your negative emotions से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? Thank you so much for asking this question first of all. Okay, let's discuss this. This is an important question. पहली चीज़ ये है कि आप अपने टेस्ट करवाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके हार्ट की कंडीशन, आपको जब वो चीज़ फील होती है, आपका बीपी चेक करें आप, ठीक है? मेडिकल कंडीशंस पहले सारी फुलफिल करें. लेट्स से आप जाते हैं मेडिकली, आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप उस टाइम आपने बीपी लिया वो भी नॉर्मल है, बट स्टिल यू एक्सपीरियंस दैट पेन्स, इट मीन्स इट इज़ साइकोलॉजिकल पेन रिलेटेड टू सम इवेंट. ज़्यादातर जिन लोगों को हार्ट में या चेस्ट में दर्द होता है, दे हैव सम काइंड ऑफ सेपरेशन फियर. बहुत कोई उनका करीबी अपना उनसे किसी वक्त में बिछड़ गया था या दूर हो गया था, जिसकी वजह से वो एक इमोशनल ट्रॉमा उनकी चेस्ट में स्टोर हो गया या उनके हार्ट में स्टोर हो गया, और जब वन थिंग हैपन्स इट स्टार्ट फीलिंग लाइक हार्ट अटैक. दैट्स व्हाट द एनएलपी इंटरवेंशन हैव टू से अबाउट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर मेडिकल चेकअप डन, देन इफ यू स्टिल फील दैट, उसके लिए हम ग्रीफ थेरेपी करते हैं. ग्रीफ ट्रॉमा, ग्रीफ और ट्रॉमा की ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये एक इवेंट हुआ है उसके बाद आपको डिप्रेशन हो रहा है. जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी फीमेल्स में होता है, और दैट इज ऑल्सो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसके बाद वो फेस करती है. सो किसी भी इवेंट के बाद कोई डिप्रेशन अगर आपकी बॉडी में लिंक हो गया है या कोई नेगेटिव इमोशन एंटर हो गया है, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम विल गो फॉर थेरेपी. सेकेंडली, इसका एक स्पिरिचुअल जो सोल्यूशन है वो ये है कि इट्स कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन. सो आप वो भी कर सकते हैं. उसमें क्या है कि अगर आप कुरान में देखें, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून शामिल है, कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से हासिल होता है. सो सिंस इट्स अ हार्ट इशू, वी कैन गेट द एसेंस ऑफ दिस आयत आउट ऑफ इट एंड वी कैन प्रैक्टिस अ मेडिटेशन. मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस हम सब लोग जानते हैं. द इंटरनेट इज रश्ड बाय द होल थिंग, गाइडेड मेडिटेशंस, मेडिटेशंस, हर तरह की डिफरेंट मेडिटेशंस आजकल वायरल हैं. सो प्रैक्टिस डूइंग दिस एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस कंडीशन अंटिल एंड अनलेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट इज ऑल्सो रिजॉल्व. सो कीप अ हैंग ऑफ दैट एज वेल. सो वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से यू हैव टू इनहेल, आपको सांस अंदर लेके जाना, एंड यू हैव टू से अल्लाह वेन यू इनहेल, एंड देन कीप योर ब्रेथ इनसाइड यू. आपने उसको रोक के रखना है, अपना सांस अंदर आप जब ले गए हैं अच्छी तरह से, कीप इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स तक आप उसको वहां रोक के रखें, एंड देन से हु, एंड वेन यू से हु, रिलीज द ब्रेथ दैट यू हैव लाइक स्टॉप्ड इनसाइड यू. उसको आप रिलीज करें, एक्सहेल करें, ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. डू दिस फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इमीडिएटली. उसी इवेंट में जब आपको ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव इवेंट हो रहा है आपके आसपास, आपका एनवायरनमेंट में बहुत टॉक्सिक चीजें चल रही हैं, इससे एक और चीज होगी कि आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा. उस टाइम उस इवेंट से आपका अटेंशन डाइवर्ट होके आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे चला जाएगा, एंड द वर्ड दैट यू हैज टू से, आपकी वो बहुत कम अटेंशन है जो आप उस इवेंट को देंगे, और उतना ही कम आप उस वक्त एब्जॉर्ब करेंगे. बिकॉज यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एनर्जी दैट इज एग्जिबिटिंग इन आउटसाइड ऑफ यू, तो वो आपको उस नेगेटिव ऑरा से प्रोटेक्ट कर लेगी. बट स्टिल लेट्स से यू प्रैक्टिस एंड आफ्टर सम टाइम यू फील लाइक के द इवेंट स्टिल हर्ट्स यू, देन यू डेफिनेटली यू कैन हैव अ कोच फॉर योर सेल्फ, यू कैन हैव अ थेरेपिस्ट फॉर योर सेल्फ. बुक वन एंड मेक योर लाइफ ईजियर. ओके, सो दैट वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. एंड मोस्टली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हर तरह का पेन का जो हमारे पास सोर्स है वो डिफरेंट होता है. सो लेट्स से अगर कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं, जिन लोगों का चेस्ट पेन जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनको आई ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम भी होता है. लेट्स से उनकी आंख कभी कभी फड़कती है, ठीक है, उनको आंखों में कोई वाइब्रेशन फील होती है. अब दीज आर टू कॉमन सिम्टम्स फॉर अ सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिसे हम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कि आप किसी टाइम में आपको डर है किसी करीबी पर्सन से, किसी क्लोज रिलेशनशिप से आप सेपरेट ना हो जाएं, या आप पास्ट में हो चुके हैं एंड नाउ यू हैव दैट थिंग इंस्टॉल्ड इन यू. सो दीज वर द टू आंसर्स. What did I said? Let's summarize the whole video. First thing is medical checkup. Let you get yourself medically fit first. Doctor ke paas jaye, check kare. Agar doctor kehta hai ki is disorder, matlab we don't think you have a problem, aur wo aapko normal multivitamins de deta hai ki okay, just have some multivitamins and let's see if the things go away or not. And let's say usse wo theek nahi ho raha hai, then it means you need something else. There is something psychological.
Second thing that you have to do is look into your routine, the way you eat, look in what you are eating, how many times you are eating, ki day ke kis time pe aap kya cheez kha rahe ho, आपका रूटीन कैसे चल रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करें. अपने स्लीप साइकिल को देखें, आप कितना कम सो रहे हैं, कितना ज़्यादा सो रहे हैं, दिन में तो नहीं सो रहे हैं. इस चीज़ को ठीक करें, रूटीन ठीक करें, अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, मेडिकली अपने आप को चेक कराएं, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करें. उसके बाद जो मैंने आपको मेडिटेशन बताई, इनहेल एंड एक्सहेल करें बाय रिसाइटिंग द नेम ऑफ अल्लाह और एनी अदर थिंग दैट यू वॉन्ट टू से. इट्स देर इज़ नो हार्म इन टू इट. इफ़ यू आर इवन इफ यू आर नॉन मुस्लिम, यू कैन प्रैक्टिस दिस और यू कैन से वट एवर सूट्स यू, सूट योर सेल्फ. ओके, सो यू कैन डू मेडिटेशन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कन्वर्टिंग द पॉजिटिव एनर्जी, कन्वर्टिंग योर नेगेटिव थॉट्स इन टू समथिंग पॉजिटिव. जस्ट राइट देम डाउन, स्टार्ट राइटिंग वट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट नेगेटिव इवेंट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इनशाला. इफ यू डोंट, then you definitely have a therapist, you definitely have your coach, book a coach for yourself and then get your therapy done. That's the most important part of your life. You need to live happy life. Thank you so much for connecting. Follow for more. Follow our page. That's very important because if you don't do that, we won't be able to stay connected with you for a long time. So go follow our page, give us good feedback so we are able to provide with you with all the good information that we are doing right now. Thank you so much for your feedback. Take care. Bye-bye.